भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह निकले गद्दार, पैसों के लिए नहीं खेलते मैच और अब बीसीसीआई देगी उनको फांसी। दोस्तों, इस खबर की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह चोट के चलते काफी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह T20 विश्व कप 2022 और एशिया कप 2022 भी चोट के चलते नहीं खेल पाए, जिसके चलते भारतीय टीम को दोनों ही टूर्नामेंट्स हारने पड़े। भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी फीकी नजर आई। दोस्तों, आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टेस्ट श्रृंखला का भी हिस्सा नहीं है। और दोस्तों, आपको बता दें कि बीसीसीआई ने बताया है कि जसप्रीत बुमराह अब अगले एक साल तक क्रिकेट से बाहर हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह चोट के चलते अब अगले एक साल में कोई भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। IPL 2023 और ODI वर्ल्ड कप 2023 जैसे बड़े टूर्नामेंट से भी जसप्रीत बुमराह अब बाहर हो चुके हैं। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह अब सर्जरी के लिए न्यूजीलैंड जा रहे हैं और काफी लंबे समय तक जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। तो दोस्तों, ऐसे में आपका क्या मानना है, भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह की जगह किस तेज गेंदबाज को ODI विश्व कप 2023 में शामिल करना चाहिए और कौन सा गेंदबाज भारतीय टीम को जसप्रीत बुमराह की कमी नहीं खोलने देगा? आप भी उस गेंदबाज का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।